22મી જાન્યુઆરીના રોજ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે સમગ્ર દેશમાં તેની ધામધૂમથી ઉજવણી થનાર છે ત્યારે સુરત પણ તેમાંથી બાકાત નથી ખાસ કરીને સુરતનો જે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ છે તેમાં ખાસ કરીને રિંગરોડ જે કાપડ માર્કેટ છે તેને દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવશે હાલ આપની સાથે કાપડ માર્કેટના વેપારીઓ જોડાયા છે અને ફોસ્ટાના જે ડિરેક્ટર છે તે જોડાયા છે જી ઇસ બાર કિસ પ્રકાર સે સેલિબ્રેશન હોગા कपड़ा व्यापार में हमने फोस्टा द्वारा सभी मार्केट एसोसिएशन से मिलकर एक निर्णय लिया गया है कि सभी मार्केटों को सजाया जाएगा लाइटिंग से 3-4 दिन पहले से सजावट चालू हो जाएगी उसके बाद दूसरे दिन हनुमान चालीसा और श्री राम स्तोत्रक पाठ से उसका वाचन होगा संगीत के साथ उसमें संगीत के माध्यम से गायकार आएंगे और भोजन और प्रसाद की व्यवस्था दोपहर में होगी हजारों लोगों की उसमें व्यवस्था है और तत्पश्चात हम लोग LED के द्वारा जो श्री राम मंदिर अयोध्या में जो प्रसारण है वो LED के माध्यम से सभी मार्केटों में दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं लगभग 28 मार्केट का हमारे पास अभी तक स्वीकृति आ गया है जो लाइव प्रसारण वहां दिखाएंगे जी किस तरह का आयोजन होगा कितने लोग खाने के लिए आएंगे हाँ जी इसमें राम काज करबे को आतुर 500 जिसमें बता रहे हैं जैसे कि जिस हिसाब से हम लोग सारे कि पूरी कोशिश इस हिसाब से की जा रही है कि 220 के करीब मार्केटें हैं तो उसमें से 118 मार्केटों का कंफर्मेशन हमारे पास अब तक आ चुका है जो कि संगीतमय करेंगे इसे संगीतमय करने के बाद 28 मार्केट ऐसी हैं जिनको LED लाइव टेलीकास्ट के लिए अभी तक कन्फर्मेशन आई है 4 मुख्य जगह ऐसी हैं जहाँ पर भंडारा जो है बहुत विस्तार रूप से किया जाएगा यानी कि आप समझे कि 30,000 के करीब करीब खाना लोगों को बांटा जाएगा ऐसा तो अब तक कंफर्मेशन आ चुकी है बाकी 118 बाकी जो बची हुई मार्केटें हैं उनकी मीटिंग्स चालू हैं तो जैसी उनकी कंफर्मेशन हमारे पास आएगी डेकोरेशन ध्वज के हिसाब से भी ऐसे बोल रहे हैं कि राम ध्वज जो है वो 7,000 के करीब करीब पोस्टर द्वारा लगाए जाएंगे जिसको कि हम कवर करेंगे रिंग रोड सरोली सालासर जोन मोटी विगम्बाड़ी તો આતા વેપારીઓએ જે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો જ્યારે પર્વ હશે ત્યારે ધામધૂમથી ઉજવણી સુરત કાપડ માર્કેટમાં કરવામાં આવશે કેમેરામેન વિજય બેસાણી સાથે ચેતન પટેલ ઝી મીડિયા